बिल्कुल मैं मुख्यमंत्री जी से जल्द मुलाकात करने वाला हूँ। रीट पात्रता परीक्षा की विज्ञप्ति और उसकी तिथि जारी है, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड नई कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती और साथ में कई जो मुद्दे रखना है, कर्मचारी चयन बोर्ड से जो बच्चे नाराज है, 197 लोग जुड़ चुके हैं ना, जो लोग नाराज है 245, मुझे पता है कि काफी लोग उनको पता नहीं था कि मैं जुड़ूंगा लाइव, और मैं सोच रहा हूँ कि मैं सप्ताह में एक बार आप लोगों से लाइव जुड़ूं। और साथियों, मैं मुख्यमंत्री जी से एक बार फिर मैंने समय मांगा है, जल्द मुझे समय मिलने का मिलेगा तो आप लोगों की जो तमाम जो कर्मचारी चयन बोर्ड की जो शिकायतें हैं वो भी मैं मुख्यमंत्री जी के सामने रखूंगा, नई भर्तियों को की मैं मांग भी मजबूती से आपके सामने रखूंगा। और जो बिजली विभाग में अभी ऐसी कोई बात नहीं, जो अफवाह चले कि बिजली विभाग में भर्तियां नहीं आएंगी, मैंने बात की थी, ऐसी कोई बात नहीं है, तो बिजली विभाग में भी भर्तियां आई हैं, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की भर्तियां हैं। हाँ, इतना जरूर कह सकता हूँ संस्कृत शिक्षा विभाग में जो कंप्यूटर होते भर्ती वो मात्र 260 पदों पर ही आ रही है, क्योंकि कंप्यूटर लैब में उनकी अनुमति नहीं मिली है फाइनेंस डिपार्टमेंट से, लेकिन अभी फिलहाल 260 पद ही कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती के बताए जा रहे हैं। संस्कृत भर्तियों का वर्गीकरण कब होगा, तो मैं माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात करूंगा तो एक कैलेंडर जारी हो कि रीट पात्रता कब होगी, फर्स्ट ग्रेड कब होगी, सेकंड ग्रेड कब होगी, एलडीसी, तमाम जो भर्तियां हैं अलग अलग विभागों की जो भर्तियां हैं वो भर्तियां कब आएगी। तो मैं साथियों, मैं कहते हैं ना, मैंने वचन दिया है सापरा को कि 365 दिन आप सापरा की सेवा करूंगा, जनता की सेवा करूंगा। आपको पता है मैं जहां रहता हूँ कुछ ना कुछ करता रहता हूँ, यहाँ तो मैंने भ्रष्टाचारियों की वाट लगा रखी है और उनकी वाट छोड़ूंगा नहीं उन लोगों को, लेकिन आप लोगों का साथ देना मेरा कर्तव्य है। मैंने कहा था जहां भी रहूंगा मैं आपका साथ दूंगा। कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री जी से मुलाकात की थी, मैंने आपकी बात रखी थी, और अब मैं स्पेशल युवाओं के लिए मुलाकात करने वाला हूँ, आपकी भर्तियों को लेकर, आपके भर्तियों के प्लान को लेकर, आपकी जो कर्मचारी चयन बोर्ड की शिकायतों को लेकर, आउट ऑफ सिलेबस जिस प्रकार पेपर आ रहे हैं, जिस प्रकार कई चीजें मनमानी से की जा रही है, उन सबको लेकर मैं माननीय मुख्यमंत्री से मिलूंगा। मुझे सारी चीजें अलग अलग जूनियर अकाउंटेंट के डीवी के भी मेरे पास मैसेज आ रहे हैं साथियों, मुझे पता है, लेकिन मैं एक बार मुख्यमंत्री जी से मिलकर स्पेशल आपकी बात रखूंगा। मैंने कि एक लेटर लिखा था मुख्यमंत्री जी को, मेरे मन अनुभव के आधार पर कि 12 साल मैंने जो अनुभव रहा था, यौन की जो वाजिब मांग जो थी होना चाहिए वो मैंने रखा था, लेकिन जब भी मुख्यमंत्री जी से मेरी मुलाकात होगी तो साथियों मैं आप लोगों की मजबूती से बात रखूंगा, ये विश्वास आप लोगों को मैं दिला रहा हूँ। मैं अचानक बैठा था मेरे साथियों के साथ, मैंने कहा कि मैं लाइव आता हूँ, 400 निवासी लोग अभी लाइव मुझे देख रहे हैं, यानी कि 500 करीब लोग मुझे लाइव देख रहे हैं अभी फिलहाल। तो साथियों, मैं फिर आप लोगों से जुड़ूंगा, लेकिन इतना कह सकता हूँ माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात होगी तो कहीं ना कहीं आपकी बात आपकी मजबूती से रखूंगा, क्योंकि इस सरकार का हिस्सा मैं भी हूँ और सरकार तक मजबूती से आपकी बात रखना मेरा कर्तव्य है। युवाओं की पीड़ा मेरे से ज्यादा कोई नहीं जानता, तो रीट पात्रता का भी इंतजार कर रहे हैं, नई भर्तियों का इंतजार कर रहे हैं, सारी चीज महिला आरक्षण को लेकर भी कई लोगों के कमेंट आ रहे हैं, पहले मैं सुझाव दे चुका हूँ, और भी माननीय मुख्यमंत्री से मिलूंगा। सीटी में नेगेटिव मार्किंग वाले मुझे मैसेज कर रहे हैं, तो साथियों मैं फिर आप लोगों से, मैं सोच रहा हूँ सप्ताह में एक बार आप लोगों से मैं जुड़ूंगा, जब भी जुड़ूंगा मैं ट्वीट करूंगा, फेसबुक डालूंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ इस बार मैं जुड़ू मुख्यमंत्री से, मिलने से पहले जुड़ू और मिलने के बाद आपसे मैं लाइव जुड़ू फिर आपसे चर्चा करूंगा। साथियों धन्यवाद, आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, सम्मान दिया, आज भी मात्र मैं 5 मिनट पहले जुड़ा हूँ और 596 यानी कि 600 लोग मुझे अभी लाइव देख रहे हैं, और मैं लगातार लाइव रहूंगा तो मुझे लग रहा है हजारों में ये लोग लाइव में जुड़ जाएंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक बार मिलकर पंचायत राज जैन भर्ती का वादा निभाऊंगा। देखो, कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती का वादा मैंने निभाया, उसकी विज्ञप्ति जारी भी है, पंचायत राज जैन भर्ती की भी नियम संशोधन करवा के कैबिनेट से अनुमोदन कराया, उसकी विज्ञप्ति वो वादा निभाऊंगा जो अधूरे थे उस समय, गुजरात जो दांडी यात्रा के जो मुद्दे अधूरे थे, नई कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती भी निकाल के निकलवाकर वादा निभाऊंगा, और सीटी में 40% करवा के वो वादा निभा दिया, कई चीज जो मैंने वादे किए थे मैं निभाऊंगा। वादा क्या, मैं तो आप लोगों के लिए पहले जी रहा था, आज भी मैं आप लोगों के लिए, क्योंकि चला जरूर गया हूँ लेकिन आज भी युवाओं की आवाज उठाना, आज भी मुझे लगता है कि मेरे जाने के बावजूद भी जो लोग कहते हैं कि हम युवा कैसे हैं लेकिन कुछ नहीं कर पाए, मुझे पता है कि मैं आप लोगों को अकेला नहीं छोड़ सकता, आपकी आवाज बुलंद करना, पता नहीं मुझे भी चैन नहीं आता कि यार मुझे लगता है कि गलत हो रहा है, मुझे सीएम साहब तक बात पूछानी चाहिए, आपके साथ अच्छा होना चाहिए, मैं बात लगातार पूछा रहा हूँ सरकार के माध्यम से और आपकी आवाज में उठाता रहूंगा। तो साथियों फिर आप लोगों से मुलाकात होगी अगले लाइव में, आप लोगों को सूचना दूंगा।